गुड मॉर्निंग टू ऑल। आपने जो एरे के मेथड्स थे वो आपने पढ़े होंगे और उसके रिगार्डिंग जो भी एग्जांपल्स थे वो आपने करके देखे होंगे। ठीक है, जो मेथड हमने वहां पर पढ़े वो थे आपके एक मेथड एरे ही था। ठीक है, एरे के बाद आपका है फ्रॉम स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग में से पर्टिकुलर एक एरे बनाना, और उसके बाद था एम्प्टी, एम्प्टी और जीरोस दोनों का काम एक ही था। ठीक है, और उसके बाद था आपका वंस और वन डी एरे को टू डी एरे में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो ये जो कुछ मेथड्स थे वो आपने प्रीवियस अपनी बुक में भी जो दिए हुए हैं सारे मेथड्स आपने वहां पे पढ़े। अब नाउ नेक्स्ट वी मूव टू ऑपरेशंस ऑन एरेज, कि हम एरे के अंदर क्या क्या ऑपरेशन कर मतलब क्या क्या और अदर मेथड से अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट है उसमें एरे स्लाइसिंग। तो ये स्लाइसिंग वाला जो मेथड है, ऑपरेशन है, ये आपने स्ट्रिंग वाले चैप्टर के अंदर भी परफॉर्म किया था। ठीक है, कि आपने पर्टिकुलर एक स्ट्रिंग के अंदर से जो एलिमेंट हमें एक्सट्रैक्ट करना है वो वहां पर आपने एक्सट्रैक्ट किया था। ठीक, इन द सेम वे एरे के अंदर भी हम वो मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो एरे स्लाइसिंग मीन्स टू एक्सट्रैक्ट द सब सिक्वेंस ऑफ द एरे। एक एरे का जो पर्टिकुलर एलिमेंट्स हैं वो आप वहां पर एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे स्लाइसिंग इन वन डी एरे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें इम्पोर्ट नंपाई एस एनपी। ठीक, अब हम यहां पर कोई भी एक एरे ले लेते हैं। ठीक, जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स होंगे, देन ए इक्वल्स टू एनपी डॉट एरे वन टू थ्री फोर। ठीक, तो उसके बाद इसको प्रिंट करा के देखते हैं, प्रिंट ए, देन द आउटपुट विल बी, आउटपुट क्या होगा आपके पास, वन टू थ्री फोर। ओके, बट अब आपको इसमें से पर्टिकुलर एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको इसका इंडेक्स को ध्यान में रखना है कि आपके जो एलिमेंट्स हैं वन टू थ्री फोर और जो इनकी इंडेक्स वैल्यू है जीरो वन टू थ्री। ठीक है, तो दिस इज द इंडेक्स वैल्यू और आप कह सकते हैं कि ये किस लोकेशन एड्रेस वैल्यू भी इसकी है, कि अगर हम इस वैल्यू को प्रोवाइड कराते हैं तो हमें वो पर्टिकुलर एलिमेंट वहां पर मिल जाएगा। तो अगर हम यहां पर लिखते हैं कि प्रिंट ए कॉलन कॉलन, ठीक है, तो यहां इसका क्या मतलब होगा, कॉलन कॉलन इट मीन्स वी वॉन्ट टू एक्सट्रैक्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द एरे, देन द आउटपुट विल बी सेम एज इट इज। तो जो ये आपका आउटपुट आया था वो यहां पर आएगा, इट मीन्स हम यहां पर सारे एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, यहां आपको देखिए, यहां आपका दिया होता है स्टार्टिंग और दिस इज द एंडिंग पॉइंट, कि आपको कहां से कहां तक मूव करना है। दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस इज द एंडिंग पॉइंट व्हेन वी आर नॉट, व्हेन वी आर नॉट गिविंग एनी, व्हेन वी आर नॉट गिविंग एनी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट, इट मीन्स वी वॉन्ट टू एक्सट्रैक्ट ऑल द एलिमेंट्स। अगर हम कोई वहां पर स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं दे रहे हैं तो हम सारे एलिमेंट्स वहां से एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। दूसरी चीज, अगर हम यहां पर लिखते हैं प्रिंट ए वन कॉलन थ्री, ठीक है, तो
यहां पर जो एलिमेंट हमारा एक्सट्रैक्ट होंगे वो कहां से स्टार्ट होगा, वन से, और कहां तक चलना है, थ्री। तो एज वी नो डेट कि जो एंडिंग पॉइंट है, जो एलिमेंट हमारे एक्सट्रैक्ट होंगे दैट विल बी एन माइनस वन। ओके, कि यहां पर जो इसका रिजल्ट आएगा दैट विल बी वन, वन पर टू है, टू एंड थ्री, दैट विल बी द रिजल्ट। ठीक है, जो एंडिंग पॉइंट होगा उस एंडिंग पॉइंट से वन लेस देन तक आपका एलिमेंट्स एक्सट्रैक्ट होगा, लास्ट पॉइंट तक वो एक्सट्रैक्ट नहीं करता, उससे वन लेस देन तक वो चलता है। ठीक है, ये चीज आपने स्ट्रिंग के अंदर पढ़ी थी, वही चीज आपकी सेम यहां पर भी एप्लीकेबल है। नेक्स्ट अगर हम करें कि प्रिंट ए कॉलन टू, ठीक है, इट मींस हम कहां तक चलेंगे, जीरो और वन एलिमेंट। ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, वन टू, दैट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस कमांड। ओके, एंड इफ वी मूव, और दूसरी चीज अगर हम राइट टू सॉरी लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो हमारा जो इंडेक्स स्टार्ट होगा जीरो वन टू थ्री पॉजिटिव में, और अगर हम राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं तो क्या हो जाता है, वो इंडेक्स नेगेटिव में, नेगेटिव वन, नेगेटिव टू, नेगेटिव थ्री, नेगेटिव फोर। ओके, अब हमने अगर मान लीजिए यहां पर लिखा प्रिंट ए नेगेटिव टू टू ऑफ, तो इट मींस नेगेटिव टू से, और ये जो चलेगा आपका लेफ्ट टू राइट ही मूव करेगा, तो नेगेटिव टू से आगे की तरफ जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब प्रिंट करे जाए, तो इट मींस तो इसका आउटपुट होगा थ्री एंड फोर। तो दैट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस कमांड। ओके, तो दिस इज द स्लाइसिंग इन वन डी एरे। तो वन डी एरे के अंदर हम इस तरह से एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। नाउ मूव टू द स्लाइसिंग इन टू डी एरे। अब हमारे पास कोई टू डी एरे है, ठीक है, उसके अंदर से हमें एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक, तो हम कोई एक एरे ले लेते हैं, एरे यही ले लेते हैं ए, एलिमेंट्स को चेंज कर लेते हैं, ए इक्वल्स टू एनपी डॉट एरे, वन टू थ्री फोर, ओके कॉमा, और नेक्स्ट इज फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व। तो हमने कोई एक ही यहां पर टू डी एरे ले। ओके, नेक्स्ट अब हमें इसके ऊपर स्लाइसिंग अप्लाई करनी है। तो आप देखिए कि जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो प्रिंट ए, तो प्रिंट ए का मतलब है कि हम पहले इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं कि इसका आउटपुट कैसे शो होगा। ठीक है, तो दैट विल बी डिस्प्ले एट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व। ठीक है, यहां पर मैं आपकी इंडेक्स वैल्यू, वो वैल्यू इंडेक्स वैल्यू जो है इसकी वो लिख देते हैं कि जीरो वन टू, जीरो वन टू थ्री। ठीक है, और अगर ये नेगेटिव से चलेगा तो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, और यहां पर माइनस वन
इन द सेम वे माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर, ठीक है। तो ये आपने इसको डिस्प्ले करा लिया यहां पर 2D एरे को। अब हमें यहां पर एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो हम लिखते हैं यहां पर कि B इक्वल्स टू B के अंदर हम B के अंदर हम ले लेते हैं A, और A के अंदर जो वैल्यूज हम यहां पर प्रिंट कराना चाह रहे हैं डेट इज 1 to 2 कॉमा और 0 to 2 1 to 2 एंड 0 to 4 ये करा ले। अब यहां पर देखिए आपको क्या ध्यान रखना है कि यहां पर जो हम 1 to 2 1 कॉलम 2 लिख रहे हैं दिस इज फॉर रोज कि हम कौन सी रो को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं एंड दिस इज फॉर कॉलम कि हम कौन कौन से कॉलम्स की वैल्यू वहां पर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। तो आप देखिए कि मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग पॉइंट होगा और जो एंडिंग पॉइंट है वो माइनस वन तक चलेगा। तो 1 और 2 में से ये कहां तक रहेगा, सिर्फ 1 तक रहेगा। तो इसका जो आउटपुट आएगा तो इसका मतलब हमें इस वाली रो पे मूव करना है, ठीक है। उसके बाद कॉलम पे देखते हैं, 0 से चलना है, 4 तक चलना है, इट मीन्स इट विल मूव 2 0 to 3 0 1 2 3 इट मीन्स इट विल डिस्प्ले ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो 5 6 7 8, ठीक है। डेट विल बी द रिजल्ट ऑफ योर बी इक्वल्स टू ए 1:2 0:4। तो इसका मान का रिजल्ट ये होगा, ठीक है। इसको इतने देखिए आगे की जो कमांड्स है वो मैं इसके आगे समझाता हूं आपको।